So now, the first thing and a very important thing is that till this lecture, we know that there is a microwave devices. These are the different microwave devices, okay? And the important thing that we have to measure a power. Okay? So to measure a power, the first thing that key what equipments are there? और रादर मैंने एक बात बताई थी कि आप जब केवीएल केसीएल ऐसे कुछ कर रहे हो या आप आईसी के प्रैक्टिकल्स किए, आपने ईएलसी के प्रैक्टिकल्स किए, तो आप क्या कर रहे थे? डायरेक्टली यू आर कनेक्टिंग योर डीएमएम एक पॉइंट पे और वहां पे आप वोल्टेज करंट मेजर कर रहे थे. बट माइक्रोवेव का प्रॉब्लम है, माइक्रोवेव इज अ हॉलो ट्यूब. ओके, सो इन दैट सिचुएशन हम लोग उसको कट करके मेजर नहीं कर सकते. तो फॉर दैट रीजन वी नीड अ डिफरेंट डिवाइसेस टू मेजर अ पावर और टू मेजर फ्रीक्वेंसी. ओके, मेजर मेजर फेज शेप, देन VSWR और जितने भी पैरामीटर्स हैं जो आप नॉर्मल सर्किट में मेजर करते हो, सेम पैरामीटर्स इफ यू वॉन्ट टू मेजर इन अ माइक्रोवेव, वी वॉन्ट अ डिफरेंट इक्विपमेंट. और रादर इन अ सिंगल लाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट माइक्रोवेव मेजरमेंट्स इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग इज एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, एंड इफ आई चेंज द फ्रीक्वेंसी माई मेजरमेंट्स आर गोइंग टू चेंज. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब ई एल सी के प्रैक्टिकल्स करते हो, आप जब वोल्टेज बोलते हो, आप जब करंट बोलते हो, तब आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते थे हम लोग कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मेजर किया है. बट हियर वेन एवर वी आर वर्किंग विद द माइक्रोवेव डिवाइसेज, वी हैव टू मैंशन एट विच फ्रीक्वेंसी आप ये मेजरमेंट्स ले रहे हो. ओके, सो नाउ दिस इज अवर एजेंडा, दैट इम्पोर्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ पावर मेजरमेंट, देन टाइप्स ऑफ पावर मेजरमेंट. मेजरमेंट कितना अनसर्टन है बिकॉज द मेन थिंग इज अ फ्रीक्वेंसी अनस्टेबिलिटी ऑफ अ माइक्रोवेव. ओके, देन विच सेंसर्स और पावर मीटर्स आर अवेलेबल और कौन कौन सा कंसिडरेशन वी हैव टू चेक बिफोर मेजरिंग अ पावर. बिकॉज आपको पता है हम लोग जब रजिस्टर लेते हैं तो हमें वहाँ पे टॉलरेंस रहता है ±5%. ओके, सो सेम थिंग इज हियर कि हमें वो पता होना चाहिए कि आपका कितना टॉलरेंस है. ओके, सो दिस इज योर पावर. सो पहला है कि जब मेरा पावर बहुत हाई होता है तो ये आपको स्पेक्ट्रम दिखाया है. ओके, सो स्पेक्ट्रम में क्या होगा? अगर मैं स्पेक्ट्रम जब एक बार चेक करती हूँ तो जहाँ पे मुझे, अगर आपको याद रहेगा, सो वी आर वर्किंग ऑन अ रेजोनेंस व्हेन वी आर वर्किंग विद अ माइक्रोवेव, रेक्टेंगुलर माइक्रोवेव और सर्कुलर माइक्रोवेव, तो हमें पता रहता है कि हमारा रेजोनेंस एक जगह पे हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा. ओके, सो ये आपका मैक्सिमम हो गया, फाइन. अब यहाँ पे मुझे पावर मेजर करना है. अगर वही, अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी और ये यहाँ वाला पॉइंट आ गया, तो क्या होगा? मुझे पावर कम मिलेगा. सो दिस इज अ फर्स्ट थिंग दैट पावर इज अ टू हाई. ओके, नॉन लीनियर. और दूसरी ये चीज हो सकती है कि आपका पावर लो भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ नॉइस. जब नॉइस होगा तब वहां पे कुछ तो सिग्नल आने वाला है. ओके, रादर रादर इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर. क्रिटिकल फैक्टर क्या है? क्योंकि आपका जो पावर है वो हम लोग दो लेवल पे मेजर करते हैं. ओके, कि एवरी सिस्टम लेवल जहाँ पे हम लोग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, जो आपको ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस है वो आपका फंडामेंटल डिवाइसेस का होता है. ओके, और आपका जो मेजरमेंट होने वाला है इट शुड बी, और अदर जो टेक्निक होगा, जो इक्विपमेंट होगा, वो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? एक्यूरेट, रिपीटेबल, ट्रेसेबल एंड कन्वीनियंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई एक्यूरेट? क्योंकि उसका एक्यूरेसी होना चाहिए. रिपीटेबल मतलब अगर मैंने पहला एक मेजरमेंट लिया और फिर से बाद में मैंने उसको मेजरमेंट लिया तो वो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर हम लोग 10 बार भी वो रिपीट करें प्रोसेस, तो मेरा आंसर उतना ही आना चाहिए. ऑफकोर्स इनपुट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग,
देन ट्रेसेबल होना चाहिए, मतलब उसको ट्रेस करना आना चाहिए आपको, एंड कन्वीनियंट होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स वी वॉन्ट वेन वी आर चूजिंग एनी मेजरमेंट इक्विपमेंट और मेजरमेंट टेक्निक फॉर पावर मेजरमेंट. और दीज आर द कॉमन थिंग फॉर एवरी सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, मतलब माइक्रोवेव के भी नहीं, आप कहीं पे भी जाओगे तो ये चार चीजें आपकी होनी चाहिए. ओके, अब दूसरा है कि आपका जो सिस्टम आपने डिजाइन किया है माइक्रोवेव का और कम्युनिकेशन का और एनी सिस्टम, ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन अ सिंगल चैन, जितना भी एक कंपोनेंट्स है, मस्ट रिसीव द प्रॉपर सिग्नल लेवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक भी आपका प्रॉपर पास नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि वहां पे लॉसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका नेक्स्ट पावर मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, सो देर आर टू कंडीशंस. इन अ वन कंडीशन पावर लेवल इज लो. ओके, जब पावर लेवल लो होता है तो ऑफकोर्स वहां पे आपको एम्पलीफायर लगा के और बाकी प्रोसेसर्स यूज करके सिग्नल कंडीशनिंग करके आपको मेजरमेंट करने पड़ेंगे, या पावर लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, नॉइस रिमूव करना पड़ेगा. एंड द सेकेंड थिंग, व्हेन पावर लेवल इज हाई तो देर इज अगेन नॉन लीनियर और वहां पे डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स होगा. ओके, व्हेन नॉन लीनियर देन देर आर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डिजाइन इज वेरी इंक्रीज. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे हमें एक्सपेंसिव एक्टिव डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे. ओके, अब ये अलाइनमेंट में चलता है कि जैसे ही आपने एक्सपेंसिव एक्टिव डिवाइसेस लिए, एक्टिव डिवाइसेस का प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबल नहीं रहता है, तो डिफिकल्ट टेस्टिंग हो जाएगा, रिलायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ग्रेटर स्किल इन मैन्युफैक्चरिंग आपको जरूरत पड़ जाएगी, राइट? तो इसीलिए माइक्रोवेव का जो है, माइक्रोवेव हमें लैब में भी बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल्स है, क्योंकि एक तो पहला है कि माइक्रोवेव में अगर लीकेज हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड द सेकेंड थिंग कि उसका जो टेस्टिंग या जो भी इक्विपमेंट्स है बहुत हाई कॉस्ट के हैं. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इन अ माइक्रोवेव एप्लीकेशन. ओके, अब हम लोग अभी माइक्रोवेव, मतलब आप सोच रहे हो कि रेक्टेंगुलर माइक्रोवेव या सर्कुलर माइक्रोवेव, बट व्हेन माइक्रोवेव वी आर कंसिडरिंग, देन वी आर कंसिडरिंग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी. सो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इज यूज इन अ सैटेलाइट एंड योर डिश टीवी. ओके, एंड द मेन इश्यू इज दैट कि जब मैं सैटेलाइट, जो मेरा अगर मैं जीईएस, मतलब ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग की बात करूँ, तो वहाँ वहाँ से मेरा जो अर्थ का डिस्टेंस है, इट इज 36,000 किलोमीटर. सो इमेजिन दैट फ्रॉम 36,000 किलोमीटर वन सिग्नल इज ट्रेवलिंग टू माई अर्थ स्टेशन. ओके, एंड बिटवीन दिस देर आर टू मेनी ऑब्स्टेकल, मीन्स एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है. ओके, देन हमारा लेयर्स है जो अर्थ के, उसमें अलग अलग एब्जॉर्प्शन है, तो जब तक आपका सिग्नल डिश टीवी तक आएगा बहुत डिस्टॉर्टेड हो चुका रहेगा. और आपका पावर एक तो है कि हम लोग अगर कोई चीज एनवायरमेंट में डाल रहे हैं तो मैं एक लिमिट के ऊपर पावर नहीं इंक्रीज कर सकती, क्योंकि अगर मैंने पावर इंक्रीज कर दिया, ओके, तो मेरे जो बाकी के लिविंग एजेंट्स हैं, बर्ड्स या इंसेक्ट्स या ह्यूमंस, उनको अफेक्ट होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द लो पावर एप्लीकेशन, हाई फ्रिक्वेंसी लो पावर. अगेन आई रिपीट, हाई फ्रिक्वेंसी लो पावर. इसी की वजह से हम लोग आपका मोबाइल भी हाथ में पकड़ सकते हैं. अगर मोबाइल का पावर बढ़ गया तो क्या होगा, इतना गर्म हो जाएगा कि हम लोग उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते. सो दीज आर द बेसिक डिजाइन कंसिडरेशन कि आपको वो पोर्टेबल भी करना है और आपको बाकी सारा भी अगर उसमें चाहिए तो आपको ये प्रॉब्लम होगा ही. ओके, सो इट इज अराउंड 200 dB. ये मैं आपको पीपीटी देने वाली हूँ, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, जो नीचे मतलब डेफिनेशंस वगैरह दिया है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा पीपीटी. सो आपका पावर जो है 1 watt इज इक्वल टू 1 joule per second. ओके, नाउ एवरीवन नोज दैट, फिर भी हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं, बिकॉज वी वांट दिस इन नेक्स्ट कैलकुलेशन, और दिस इज बेसिक पावर डेफिनेशंस और पावर के यूनिट्स हैं. ओके,
द वैट इज अ बेसिक यूनिट एंड वन वैट इज डिफाइंड एज अ वन वैट पर एम्पियर. ओके, बट वी आर ऑलवेज मेजरिंग रिलेटिव पावर मेजरमेंट्स. ओके, वाई रिलेटिव पावर मेजरमेंट्स? बिकॉज इन अ लॉग, लॉग में हम लोगों को पता है कि डीबी में अगर कुछ भी हम लोग उसको रखेंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर वर्किंग विद अ वेरी हाई, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं तो, और अदर हम लोग पावर में जाते हैं तो हम लोग डीबी की बात करते हैं. व्हाई? बिकॉज एडिशन सब्सट्रैक्शन इज वेरी इजी, राइट? सो डीबी में क्या होगा आपका, 10 लॉग पी डिवाइडेड बाय पी रेफरेंस, जो आप रेफरेंस ले रहे हो. सेकेंड वन इज, दिस इज अ रिलेटिव पावर, दिस इज एब्सोल्यूट पावर. ओके, सो एब्सोल्यूट पावर का डीबीएम इट इज 10 log of p divided by 1 milliwatt. Okay, so these are the definitions. Power is defined as the amount of energy flow per unit of time, and basic unit of power is a watt. Okay, now watt equals per joule, 1 joule per second. Okay, most of the time we are interested in a relative power, it is expressed in a db. Okay, इसका बेनिफिट्स क्या है? द रेंज ऑफ अ नंबर कॉमनली यूज इज मोर कॉम्पैक्ट, जो मैंने पहले ही बोला कि उसका बहुत कम नंबर हो जाता है. अगर आप इसको नॉर्मल नंबर्स में यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. मीन्स एग्जाम्पल, प्लस 63 टू माइनस 153 डीबी. ओके, और अगर उसको नंबर्स में बोलोगे तो 2 इंटू 10 रेस टू प्लस 6 टू 0.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 50. तो ये लिखने में आपको बहुत डिफिकल्ट होगा. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ऑर्डर में पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी आर ऑलवेज राइटिंग पावर्स इन अ डीबी. सो ये पहला पॉइंट है कि अगर मैं उसको नॉर्मल नंबर में लिखूंगी तो मुझे कितना 10 रेस टू 6, 10 रेस टू 5, 10 रेस टू 4 ऐसे नंबर्स लिखने पड़ेंगे. ओके, एंड सेकंड एडवांटेज इज, इट इज अपीयरेंट व्हेन इट इज नेसेसरी टू फाइंड द गेन ऑफ अ सेवरल कैस्केडेड डिवाइसेस. क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को एक सिस्टम में, हम लोग 6-7 स्टेजेस में 6-7 डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं. सो इफ दैट यूनिट इज इन डीबी एंड इफ दे आर कैस्केडेड, तो अगर डीबी में क्या है, डायरेक्टली प्लस प्लस होके हमें आंसर मिल जाता है. बट अगर वही नंबर रहेगा तो हमें बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा. ओके, देन सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिक गेन इज रिप्लेस बाय एडिशन. ये हमें पता है डीबी का. ओके, and absolute power is expressed in terms of a dB relative to some power. Okay, now this is your power. Power is equal to current into voltage. Okay, now everyone knows that amplitude, then frequency, AC compound, DC compound. Okay, अब ये हमें ऑलरेडी पता है तो मैं ये थोड़ा स्किप कर देती हूँ, बट जिसको नहीं पता है वो ये डेफिनेशंस एक बार रीड कर लेना. ओके, now what are the different power measurements at different frequency? DC में हम लोगों ने क्या किया था? DC में बोलो, DC आपको जब कर रहे थे, अब DC voltage measurement जब कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? Directly आप एक डिवाइस यूज कर रहे थे, उसमें से वो जा रहा था, जैसे DMM कनेक्ट कर दिया और आपको पावर मिल रहा था. पावर मीन्स वोल्टेज एंड करंट आपको मिल रहा था. ओके, फॉर अ लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी मीन्स यहाँ पे कंसिडर किया है 100 किलो हर्ट्ज. प्लीज नोट डाउन दैट. इफ यू आर टॉकिंग, अगर आप इन जनरल बोल रहे हो कि देयर इज अ लो फ्रिक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स इट इज अ 100 किलो हर्ट्ज के नीचे जितना भी आ रहा है इट इज अ लो फ्रिक्वेंसी. ओके, सो फॉर अ लो फ्रिक्वेंसी पावर मेजरमेंट इज नॉट डिफरेंट, नहीं है इसके, स्टिल फाउंड वोल्टेज एंड करंट. ओके, उसी में से आप यूज कर सकते हो. Frequencies in the tens and hundreds of megahertz range, the direct measurement of power is more accurate and easier. अब सोचो, आपने जब IC का practical किया था, okay? आप जब frequency response plot करते हो, 741 IC या 355 या जो भी IC आपको मिला था, so we are increasing the voltage from 10 hertz to 1 gigahertz, right? Sorry, gigahertz नहीं, 1 megahertz. So 1 megahertz means 100 kilohertz. Is it correct? Is it correct, Utkarsh? Yes, ma'am. Right. So that means it is correct. जो हम लोग देख रहे हैं अभी correct है. Okay.
तो अभी हम लोग को इतना तो पता चल गया कि जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे एक बार कंसिडरेशन कर रहे, सोच रहे कि हम लोगों ने कैसे कैसे पावर मेजरमेंट किया. ओके, एंड दैट टाइम ऑल्सो द वॉट एवर पावर डायरेक्ट मेजरमेंट, मतलब डीएमएम इज अ डायरेक्ट आप लोगों ने किया. अब इनडायरेक्ट मतलब क्या, आप कोई तो पैरामीटर यूज करते हो, फिर उसको मैथमेटिक्स या प्रोसेसिंग करते हो एंड देन यू फाइंड द आंसर. बट इन अ डीएमएम डायरेक्टली यू आर मेजरिंग वोल्टेज एंड करंट, सो दोज आर द एक्यूरेट एंड ईजियर. ओके, बट वॉट इज गोइंग टू हैपन एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. नाउ एट अ हायर फ्रीक्वेंसी देर आर बेसिकली टू वोल्टेजेस आर देयर, वन इज अ इंसिडेंट वोल्टेज एंड वन इज अ रिफ्लेक्टेड. ओके, मतलब आपका इंसिडेंट जो हो रहा है और एक रिफ्लेक्टेड बैक जो हो रहा है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू हैपन अबाउट 1 गीगाहर्ट्ज. व्हाट इज गोइंग टू हैपन अबाउट 1 गीगाहर्ट्ज? ओके, कि जहां पे 1 गीगाहर्ट्ज हम लोग क्रॉस करते हैं, ओके, देयर वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट्स आर इम्प्रैक्टिकल. ओके, व्हाई? बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपने इक्वेशन देखा तो ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन, व्हेन वी आर राइटिंग ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन, वी आर कंसिडरिंग द लेंथ, कि एट विच पोजिशन हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं. तो आप जैसे पोजिशन चेंज करोगे, ओके, वैसे आपका सारे कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएंगे. ओके, एंड सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग वेवगाइड ट्रांसमिशन लेते हैं, ओके, तो वहां पे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वोल्टेज और करंट में बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज पोजीशन चेंज होगा वैसे मेरा वोल्टेज और करंट चेंज हो जाएगा. बट अगर आपने पावर का इक्वेशन देखा तो पावर मतलब क्या, वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर मेरा कांस्टेंट रहेगा, मेरा वोल्टेज कम होगा मेरा करंट बढ़ेगा. पावर कांस्टेंट, मेरा करंट कम हो गया मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, पावर कांस्टेंट. सो वो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब हमारे मैथमेटिक्स के जिसमें कांस्टेंट है, वो अगर हमें हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, देन वी कैन मेजर द एंटायर सिस्टम. ओके, सो दैट्स द रीजन व्हेन वी आर वर्किंग अबव 1 गीगाहर्ट्ज, देन नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट वोल्टेज एंड करंट, एवरीवन इज गोइंग टू गिव यू द पावर मेजरमेंट. इफ आई एम हैविंग अ पावर मेजरमेंट, आई एम हैविंग एक्चुअली वोल्टेज एंड करंट, बट वो वोल्टेज एंड करंट उस पोजिशन पे मुझे ढूंढना पड़ेगा. ओके, मुझे डायरेक्टली मैं नहीं बोल पाऊंगी कि मेरा वोल्टेज इतना है मेरा करंट इतना है. ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स इफ वी आर वर्किंग विद अ माइक्रोवेव अबाउट 1 गीगाहर्ट्ज, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पावर, नॉट वोल्टेज एंड करंट. ओके, फॉर दिस रीजन रेडियो एंड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज, रेडियो एंड माइक्रोवेव, रेडियो में भी हम लोग माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज यूज करते हैं एंड माइक्रोवेव में तो करते ही है, माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव जो जितने भी डिवाइसेस में माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज है. तो फॉर दैट टू और सैटेलाइट ऑल्सो, ओके, पावर ही हम लोग इजिली मेजर कर पाते हैं और दीज आर द मोर यूजफुल दैन वोल्टेज एंड करंट. क्योंकि वोल्टेज एंड करंट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ सो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है पावर मेजरमेंट का. एनीवन इज हैविंग अ डाउट? अब सबको समझ में आ गया हम लोग पावर मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, और किसी को डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, एनी क्वेश्चन? एवरीवन इज अ क्लियर डाउट कि हम लोग पावर मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, हम लोग वोल्टेज या करंट क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं माइक्रोवेव में? सबको समझ में आ गया या फिर से रिपीट करना है? ओके, गुड. तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ले अभी टेक्निक्स पे जाए. 11:15 को मुझे बता देना, ठीक है? 11:15 को हम लोग स्टॉप कर देंगे. नाउ दिस इज अ पावर मेजरमेंट टाइप्स. ओके, now in a power measurement there are 3 types of power we are measuring: average power, pulse power, okay, and peak envelope power. already hum log ko ye pata hai to main isko skip kar do ya hum log aapko revision chahiye bolo revision chahiye skip karna hai skip okay ye ppt main aapko de rahi hu
बट ओरल के लिए प्लीज एक बार रीड कर लेना ये सारा। और दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा रीड कर लो, कर लेना एक बार। फाइन, नाउ दिस इज द समरी। सो फॉर कंटिन्यूस सिग्नल, अगर हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल का पावर मेजर कर रहे हैं तो एवरेज पर स्पीक एनवेलप पावर गिवन सेम रिजल्ट। कंटिन्यूस वेव है, देन योर सिग्नल आपका जो है वो एवरेज पल्स और पीक सारा सेम है। एवरेज पावर इज मोर फ्रिक्वेंटली मेजर बिकॉज ऑफ अ इजी टू यूज मेजरमेंट इक्विपमेंट एंड हाईली एक्यूरेट एंड ट्रेसेबल स्पेसिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि हम लोग हमेशा एवरेज पावर क्यों मेजर करते हैं, बिकॉज इक्विपमेंट अवेलेबल है। ओके, पल्स एंड पीक एनवलप जो भी है वो हम लोग एवरेज पावर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी FM AM में सारा हमारा हो चुका है। ओके, नाउ हाउ मेनी सोर्सेस जहाँ पे मैं पावर मेजरमेंट कर सकती हूँ, तो क्या है पहला हमारा कि जो हम सेंसर यूज कर रहे हैं और सोर्स यूज कर रहे हैं उसका मिसमैच एरर हो सकता है। ओके, देन पावर सेंसर एरर्स का मिसमैच हो सकता है, उसमें एरर आ सकते हैं, और पावर मीटर में एरर्स आ सकते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि जो भी मेजरमेंट कर रहा है वो ह्यूमन कर रहा है। ओके, सो देर आर ह्यूमन एरर्स ऑल्सो। तो हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ जहाँ पे एरर्स आ सकते हैं, तो सेंसर, पावर सेंसर, पावर मीटर। ओके, एंड इसी में से अगर SWR मुझे पता है, SWR मुझे पता है, तो SWR से हमें क्या मिलता है कि हमें सेंसर और सोर्स का जो अनसर्टेनिटी मिसमैच है वो हमें पता चल जाता है। SWR अगर आप देखोगे कि ये वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज अ कैलकुलेशन मिसमैच अनसर्टेनिटी। पावर सेंसर है आपका HP8481A एंड पावर मीटर। ओके, तो इसकी वजह से आपको ये सेंसर में प्लस माइनस 5.5% मैच मिसमैच आ सकता है। ओके, ये थोड़ा सा हायर हायर है, बट थोड़ा सा एक बार ये PPT देख लेना, मतलब इतना आपको नहीं है सिलेबस में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे पावर मिसमैच। हम लोग नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हैं कि ओके मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, या वहाँ पे एरर आ गया, बट क्यों एरर आया? बिकॉज पावर सेंसर, क्योंकि मेरे पास अगर सेंसर नहीं है वो, और यही प्रॉब्लम है कि जब हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स में जाते हैं, जब हम लोग माइक्रोवेव में जाते हैं, तो आपका जो सेंसर है, आपका जो रिसीवर है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वो उतना नॉइस नहीं ओवरकम कर सकता तो आगे प्रॉब्लम आती है। ओके, सो दिस इज अ पावर सेंसर एरर। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पावर मीटर। ओके, ये हमारे लैब में अवेलेबल है। तो अब ये आपका जो पावर मीटर है वो, उसमें आपको रेफरेंस एरर है। ओके, नॉइस आपका आएगा, काउंट आपको पता है, काउंट अगर मैंने चेंज कर दिया तो वो काउंट की वजह से एरर आता है। जीरो सेट नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर है, ड्रिफ्ट है, जीरो कैरी ओवर है, जीरो अगर मैंने नहीं किया। ओके, ये एक बार देख लेना, इतना हमें नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट है पावर मीटर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लगाते हैं और मेजर करते हैं। ओके, बट उसमें अगर मिसमैच हो गया तो कितने ज़्यादा हमें एरर आ सकता है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर प्रोजेक्ट में आपको पता नहीं चला कि आपको थर्मिस्टर लगाना है, थर्मोकपल लगाना है, या डायोड डिटेक्टर लगाना है। ओके, थर्मिस्टर लगाओगे देर इज अ डिफरेंट आउटपुट, इफ यू आर कनेक्टिंग थर्मोकपल डिफरेंट आउटपुट, इफ यू आर कनेक्टिंग डायोड डिटेक्टर डिफरेंट आउटपुट। यू हैव टू चूज दिस सेंसर अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। ओके, देन इट इज गोइंग टू योर पावर मीटर। हमें क्या लगता है पावर मीटर हमारे पास है, इक्विपमेंट हमारा काम हो गया? नो, पावर मीटर में आप क्या, पहला आपका सेंसर क्या है। ओके, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको डिस्प्ले होने वाला है। ओके, सो दीज आर द थ्री, थर्मिस्टर, थर्मोकपल एंड डायोड डिटेक्टर। ओके, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपको
कौन से इसमें क्या मिल रहा है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। दिस इज द थर्मिस्टर सेल्फ बायसिंग कंटेनिंग ब्रिज। थर्मिस्टर हमें पता है कि बिल्स ब्रिज में एक जगह पे लगा देते हैं। ओके, देन दिस इज अ नॉर्मल ऑपैम सर्किट। ऑपैम सर्किट कंपेयर करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अ थर्मिस्टर आप यूज कर सकते हो या थर्मोकपल आप इसमें यूज कर सकते हो। देन दिस इज अ थर्मिस्टर। अगर हायर लेवल पे जाओगे, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे, वैसे ये सर्किट्स हम लोगों ने आईसी में स्टडी किया है, तो अब आपको पता चलेगा कि हम लोग आईसी में इतने सारे सर्किट क्यों स्टडी करते हैं। बिकॉज इन अ फ्यूचर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं हमारे इक्विपमेंट में। ओके, देन थर्मोकपल का हमें पता है कि एक हॉट रहता है, कूल रहता है, तो ये भी मैं थोड़ा स्किप करती हूँ। ओके, then these are the thermistor, thermocouple and diode, right? Now last one is a diode detector, and this is your basic power meter. So in a basic power meter, these are the circuit, your diode sensor, okay? Because it is a highly accurate, that's why we are using the diode sensor. Then bandpass filter. एक आपको पर्टिकुलर बैंड पास करना है इसके लिए रेंजिंग। देन सिंक्रोनस डिटेक्टर, लो पास फिल्टर, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फॉर डिस्प्ले। ओके, देन डीएसी, अब आपकी ही वेवफॉर्म। ओके, सो दिस इज अ बेसिक पावर मीटर। आपको मेजरमेंट में ये पहला इक्विपमेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ओके, दीज आर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आप क्या क्या करोगे, बैंडविड्थ, देन हाई पावर क्या है आपका, आपका मिली सेकेंड कितना है। ओके, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, क्या आपका स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड्स यूज ज़्यादा यूज करोगे, आपका कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा। ओके, एंड दीज आर द पावर रेंजर्स, कि आपको कौन से इसमें कौन सा यूज करना है। क्या आप -70 -20 तक जा रहे हो, तो स्क्वायर लॉ रीजन और डायोड डिटेक्टर यूज करना है। -30 टू +20 तक आपका पावर है, तो थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर यूज कर सकते हो। और अगर +20 +50 तक है, तो एक्सटेंडेड रेंज यूजिंग एन एटेन्यूएटर यू हैव टू यूज दैट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस पीपीटी, कि ये आपको पता होना चाहिए कौन से रेंज में आपको कौन सा सेंसर यूज करना है। ओके, अगेन आई रिपीट, -70 टू -20 डायोड डिटेक्टर, देन -30 टू +20 थर्मोकपल थर्मिस्टर, +20 टू +50 एक्सटेंडेड रेंज यूजिंग एंड एटेन्यूएटर। नाउ दिस इज ओवरलोड, आपको ओवरलोड पता चल जाएगा कहाँ पे है। फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग को ऑलरेडी ये हम लोगों ने किया है कि कहाँ कहाँ पे कौन से सेंसर्स यूज होता है। ओके, सो नाउ ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि आप लोगों को देर इज अ वन ब्लॉक डायग्राम, इफ यू ओपन योर रेफरेंस बुक दैट इज अ कुलकर्णी। तो कुलकर्णी में क्या है, उन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ दिया है पावर मीटर पे, but by reading that paragraph we are not understanding actually why power meter is very important. Okay, so that's my humble request that please refer this material, because in this material everything is there, from starting of why power is important, then which factors actually we are measuring in a power, average, absolute, relative. Okay, then how many sensors are there, which sensor for which frequency, which sensor for which power level. Okay, and then what factors are important to measuring a power. Measuring a power, the factors are bandwidth, then frequency, and your power level. Okay, on that you are going to choose your sensor. Fine, so I am going to share this material in your classroom. Okay, and thanks for attending today's lecture. You are having any doubt? It's a whole doubt here. ओके, थैंक यू उत्कर्ष। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट कि जब तक हमें पूरा